गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस यूनिफॉक्स लाइव परिवार में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार, आज दिन है क्विज सेशन का। तो निश्चित रूप से आप में से जितने लोग तैयार हैं वो लोग क्विज के लिए तैयार होंगे और जल्दी से जल्दी आते जाइए ताकि हम लोग इसके सेशन की शुरुआत कर सकें। लेकिन उसके पहले हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो इस शाम को वेरी गुड इवनिंग। तो निश्चित रूप से आज की शाम बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस शाम को हम लोग लाए हैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो कल की सीरीज यानी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगी और उससे पहले के कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं। दूसरी बात को लाया जाए तो निश्चित रूप से आज के इस क्विज सेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन आपको पहले से नहीं बताए गए, यानी आपके नॉलेज का भी रियलिटी चेक होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी शामिल होते जाइए। और आप सभी को पता है पहले हम लोग दिन की शुरुआत करते थे और अब हम लोग दिन के समापन के समय में एंडिंग के टाइप पर रहते हैं। और आपको पता है कहा जाता है कि अगर दिन का अंत अच्छा होता है निश्चित रूप से अगले दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करते हैं आज सभी का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। आज हमारे साथ दिन में एक घटना घटित हुई, वो क्या थी, कैसी थी, तो चलते चलते बीच में क्वेश्चंस में उनको भी डिस्कस करेंगे। एक चीज मैंने देखा तो आप लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे, हो सकता आप लोगों को भी ऐसा कभी ना कभी महसूस हुआ हो, तो क्या थी कैसे थी वो भी देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी आते जाइए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं निश्चित रूप से प्रीति, शालू, जया, निशा, रजत, आरती, ऋषि, पूनम, सुप्रिया, संपत्ति, नितशी, निश्चित रूप से सभी लोग आते जाइए। मुकेश भी आ गए हैं, रूपा भी आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आते जाइए। ईशा भी आ गए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग शामिल होते जाइए। और अगर आज की बात करेंगे तो आपके सामने क्विज का राजा या क्विज की क्वीन कौन थी उनके नाम आ चुके हैं। और जितने लोगों ने अपना रिजल्ट यहां पर हमारे कमेंट सेक्शन भेजा था उनके नाम आपके सामने है। हो सकता नाम आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, मैं नाम आपके सामने बोले दे रहा हूं। अगर सबसे पहली बात बताई जाए तो ऋषि के बाद मंजू, रूपा, मीनाक्षी, रूपम, सुमन, अक्षित, पूर्णिमा, जया। तो निश्चित रूप से अगर हम इसमें रैंकिंग की बात करेंगे तो सबसे टॉप क्या है, मीनाक्षी ने। तो अगर मीनाक्षी की बात करेंगे तो मीनाक्षी के 29 मार्क्स हैं, इसके अलावा रूपा के भी 29 मार्क्स हैं। तो रूपा और मीनाक्षी आप दोनों का हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों ने टॉप किया है। और अगर पूनम की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पूनम के भी मार्क्स पूरे हैं 29। अगर हम आगे बात करेंगे तो ऋषि के मार्क्स हैं 25, मंजू के मार्क्स हैं 28 और सुमन के मार्क्स है 26, अक्षित के मार्क्स है 28, पूर्णिमा के मार्क्स है 28 और जया के मार्क्स है 28। तो निश्चित रूप से हमने इस रिजल्ट का जो टाइम था या रिजल्ट का जो स्कोर थे वो सबके हमने नाम बताए, जिसमें से अगर टॉप विनर के नाम बताएं तो टॉप तीन क्वीन हमारे तीन सामने हैं, अगर रूपा, मीनाक्षी और पूनम। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा नंबर वन रैंकिंग पर हमारी तीन क्वीन है, कौन कौन सी, रूपा, मीनाक्षी और पूनम। और निश्चित रूप से आज की क्वीन या किंग कौन होने वाले हैं इनके रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे। एक बात और, हमने यहां पर रिजल्ट सबके बताए, नंबर वन रैंकिंग, नंबर सेकंड रैंकिंग ये भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की। एक बात आपको और कहना चाहते हैं, अपने रैंक को, अपने मार्क्स को डिस्प्ले करना भी बहुत प्रेशर की बात होती है कि आप अपने स्कोर को जानते हो और फिर भी चाहते हैं कि सब लोग हमारे स्कोर को देखें। तो निश्चित रूप से इसके लिए भी करेज चाहिए। तो जितने लोगों ने अपना मार्क्स हमें भेजे थे, जितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने नंबर लेकर के भेजे थे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिए अगर इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लगे हैं और आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो यकीन मानिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों में सुधार तभी ला सकता है जब वो अपनी कमियों को स्वीकार करना प्रारंभ करे। तो अगर आपको लगता है आपके एक नंबर कम है, दो नंबर कम है, तीन नंबर कम है, पांच नंबर कम है या 10 नंबर, 15 नंबर भी कम है तो कोई बात नहीं, हम आगे मेहनत करेंगे और आगे सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप में से कई लोगों का ऐसा भी होगा, कई लोगों ने यह भी सोचा होगा कि नहीं, जब हमारे नंबर पूरे आएंगे तब हम करेंगे, जब हमारे 29 आएंगे, 25 से ज्यादा आएंगे तब हम जाकर के उस स्कोर को पेश करेंगे। ऐसा मत सोचिए। आप में से जितने लोग स्कोर को पेश करेंगे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप लोग रियलिस्टिक वैल्यू के साथ चलिए, आप लोग जितने लोग रैंकिंग को बताते हुए चलेंगे, अपने नंबर को बताते हुए चलेंगे, यकीन मानिए आपका रिजल्ट और दिनों दिन इंप्रूव होगा।
ठीक है, तो यहां पर कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, करंट अफेयर्स का जमाना है। आज आपको क्वेश्चन आ गया, कल आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। हो सकता है हमारे किंग और क्वीन बदलते भी रहे, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग आगे आते जा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा इस बार के हमारे 3 क्वीन है, एक भी किंग नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉक्स टीम, अब आपको भी तैयार हो जाना, और आपके सामने आने वाला है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से अब आपके सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आपको पता है ना 10 क्वेश्चन के बाद आपको स्कोर बताना होगा। पहला क्वेश्चन है बेसिकली व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो कहा जाता है कि किसी भी तरल की श्यानता या चिपचिपेपन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है, पहला है वोल्टमीटर, दूसरा है विस्कोमीटर, तीसरा ऑडोमीटर और चौथा है टेलीमीटर। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर होने वाला है 1/0, या बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्कोर हो जाएगा 1/1, यानी पहले क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन सही तो 1/1, और पहले क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1/0। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर मैं बताना चाहता हूं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विस्कोमीटर। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शनि तोमर, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आरती, प्रिया, जया, संगीता, रजनी, शालू, प्रीति, वीना, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और आप में से इस परिवार में जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं इस नवरात्र के पावन अवसर पर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से अगर हम देवी मां की बात करें तो उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहेगी, हम सभी को हमारा भविष्य उज्जवल करने में मदद करेगी, सहायता करेगी। इसके साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और आप सभी लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को एक बात और बतानी है कि आप में से जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो जितने लोगों ने विस्कोमीटर बताया उन सभी का आंसर सही है, और मेरी तरफ से आप सबके लिए एक लाइक, क्योंकि आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया। तो निश्चित रूप से राधा मैम वेरी गुड इवनिंग, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जया मैम, जी हाँ, नवरात्रि चल रही है, अब क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने वाला आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको बताना है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आर्थोन कैपिटल्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2020। कहा जाता है कि विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट जिसमें नंबर 1 रैंकिंग पर आया है न्यूजीलैंड, और 2020 की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है, आपको यह बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं भारत की रैंकिंग कौन सी है। याद रखिएगा 2019 की रैंकिंग नहीं पूछी है, पूछी है 2020 की रैंकिंग। और 4 ऑप्शन है आपके सामने, 24, 58, 72 और 46। तो कई लोगों के आंसर 2/2 भी हो जाएंगे, और कई लोगों के आंसर 2/1 भी हो सकते हैं, और 2/0 भी हो जाएंगे। तो स्कोर क्या होगा ये पता चलेगा इसके सही आंसर के साथ। और आप में से जितने लोगों ने ऑप्शन कहा है सी, ऑप्शन सी का मतलब है 72, तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा आप सभी का आंसर गलत है। ऑप्शन सी यानी 72 इज नॉट द राइट आंसर। तो जितने लोग सी लिख रहे हैं या 72 लिख रहे हैं उनका आंसर तो गलत है। और अब आंसर बदलने की बारी आ चुकी है, तो आप लोग आंसर बदल भी सकते हैं। मोनिका मैम का आंसर है बी, अनु का आंसर है डी। तो निश्चित रूप से आंसर के बदले हुए रूप भी सामने आने लगे हैं। देवेंद्र ने भी बी आंसर कहा है, राधा का बी है, संपत्ति का बी है, ऋषि का बी है, निशा, प्रिया, मुकेश, सभी का बी आंसर है। और निश्चित रूप से अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप में से जितने लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी यानी 58, उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, रैंकिंग है इंडिया की 58। तो याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग है 58। क्लियर? तो जितने लोगों ने इसका आंसर 58 बताया है, ऑप्शन बी बताया है, उन सभी को याद रखना है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 58 रैंकिंग है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर यहां तक की चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो, हाँ एक बात और याद रखिएगा, इसमें सबसे लास्ट रैंकिंग किसकी है, तो याद रखिएगा 2 देश है अफगानिस्तान और इराक, इन दोनों की रैंकिंग को सबसे लास्ट में रखा गया है। तो चलिए, और ये रैंकिंग अलग अलग संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती है। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर्थोन कैपिटल्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल, तो आर्थोन कैपिटल के द्वारा जो रैंकिंग निकाली गई हम उसकी बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट है और भारत की रैंकिंग है 58, इतना याद रखेगा। तो जितने लोगों को नहीं पता था स्कोर भले ही खराब हुआ हो, लेकिन यकीन मानिए अगर यहां स्कोर आपने खराब कर लिया तो एग्जाम में आपका स्कोर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, पूर्णिमा में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
तो अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर थ्री, और क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो कहा जाता है विच इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी किसी भी तरल के प्रवाह की दर को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। चार ऑप्शन यहां पर भी है, पहला है टैकोमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है वेंटीमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपको यह बताना है कि उस उपकरण का नाम जिसकी सहायता से हम तरल के प्रवाह की दर को नापते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन फिर से बता दे, टैकोमीटर, सेंटीमीटर, वेंचुरीमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आप में से जितने भी लोग साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे उनको इसका आंसर तो आता होगा, आप लोगों ने इसके थ्योरम्स को भी सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। खैर, देर ना करते हुए इसका आंसर मुझे बता देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता है कि तुम लोग अपना आंसर बता लो, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि खिचड़ी तो आप लोगों ने पका ही ली है, तो निश्चित रूप से अब मेरा समय आ चुका है इसका आंसर बताने का, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी वेंचुरी मीटर इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने आंसर बताया है वेंचुरी मीटर, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर की सहायता से हम द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं, यानी ऑप्शन सी, यानी वेंचुरी मीटर इज द राइट आंसर। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो शनि सर, आपका आंसर यहां पर गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी वेंचुरी मीटर। क्लियर, कोई बात नहीं, गलत हो गया उसके लिए परेशान मत होइए, बस परेशान इस बात के लिए होइए कि आगे एग्जाम में गलत ना हो। क्लियर, यूपी में कहावत है कि वहां पर जब कोई बताएं या ना बताएं पर नेता जरूर बन जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा देवेश जी, यूपी में ये बात तो बिल्कुल सही है कि नेता जरूर बन जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नेतागिरी से दूर रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का मेन मोटो है एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई है, यहाँ तक की चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन है सुरक्षा कवच भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इंग्लिश में कहा जाए तो सुरक्षा कवच इज द ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड विच स्टेट पुलिस। तो आपको बताना है वो कौन से राज्य की पुलिस है और इंडियन आर्मी के बीच में आतंकवाद को रोकने के लिए इस मोशन को कहां के द्वारा या किस देश की पुलिस के द्वारा जारी किया गया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं कि किस देश की पुलिस के द्वारा इसे जारी किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर इसके आंसर की बात करें तो आप लोगों का आंसर लगातार बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार के या महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इसे लागू किया गया था, और जहां तक मुझे याद आता है कि पूना में इसे लागू किया गया था। तो आप लोगों को भी याद होगा पुणे में वो सारी चीज़ें। तो अगर यहां तक की चीज़ें सबने तैयार कर ली है, यहां तक की चीज़ें सबको समझ में आ गई हैं, तो निश्चित रूप से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे, बेसिकली तो क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है उड़ीसा सरकार ने 3 साल के लिए किस खेल की राष्ट्रीय टीम को प्रायोजित करने के लिए हस्ताक्षर किए। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा साइंड द एग्रीमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनल टीम फॉर विच स्पोर्ट फॉर 3 ईयर। तो आप लोग बताइए किस टीम के लिए 3 वर्ष के लिए उन्होंने किया है। चार ऑप्शन है, क्रिकेट, कबड्डी, रग्बी और बास्केटबॉल। देखते हैं इसका सही आंसर कौन बता पाता है, और बता दें 3 साल के लिए 3 करोड़ रुपए में इस डील को उन्होंने साइन किया है, 2023 तक इसके लिए वो काम करते रहेंगे। और जितने लोगों ने आंसर बताया है ऑप्शन सी यानी रग्बी, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का उत्तर या आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, ऑप्शन सी यानी रग्बी इज द राइट आंसर। और मेरी तरफ से मिलता है आप सभी को एक लाइक, क्योंकि आप सभी लोगों ने एक साथ बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अगर मैं बात करें तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया तो मेरी तरफ से लाइक, और अगर आप लोग लाइक करना भूल गए हैं तो आपके पास भी मौका है, सुनहरा मौका है, आप भी सेशन को लाइक कर सकते हैं अगर लाइक करना चाहें तो। तो निश्चित रूप से यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई है, सभी को समझ में आ गई है, तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।
ईशा का कहना है कि क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है समुद्रों और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए कहा जाता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। तो आप लोग बताइए समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ग्रेवोमीटर, दूसरा है फैदोमीटर, तीसरा है गायरोमीटर और चौथा है डेल्ट्यूमीटर। तो निश्चित रूप से आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कि किस उपकरण का उपयोग करते हैं। और यहां पर अगर आंसर की बात करेंगे तो लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका सही आंसर है फैदोमीटर। तो नीचे जरूर लिखा है हिंदी में पितामह, पितामह नहीं है, इसका आंसर होगा फैदोमीटर। जी हाँ, इसको फैदोमीटर ही कहा जाता है और इससे समुद्र की गहराई को नापा जाता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि समुद्र में सबसे गहरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि आप में से कोई बता सकता है क्या कि इस विश्व में सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है जो बेसिकली पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में है, बताइए। देखते हैं कितने लोग ये बता पाते हैं कि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। और ऋषि का आंसर पहला सही आ गया, रजनी का आंसर, देवेंद्र, प्रिया, देवेश, शालू, संगीता, दीपिका, आरती, मंजू और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उसका सही आंसर है मैरियाना ट्रंच। तो मैरियाना ट्रंच या मैरियाना गर्त सबसे ज्यादा गहरा बिंदु है, 11 किलोमीटर और 33 मीटर तक लगभग इसकी गहराई है। तो अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कोई गहराई नापने गया होगा, तो किससे द्वारा नापी गई होगी, तो फैदोमीटर की सहायता से इसको नापा गया होगा। तो अगर यहां तक की चीजें सभी की क्लियर हो गई है, यहां तक की चीजें सभी की समझ में आ गई है, तो हम लोगों को बढ़ना चाहिए आगे। और अब आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, इसको तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को आता है और अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, देवेश और ऋषि, ये बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का कि हाईएस्ट पॉइंट में माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर, ग्रेवोमीटर, एवोमीटर और कैलोरीमीटर। तो ध्यान से देखिए वायुमंडल में आर्द्रता को नापने के लिए तो कहा जाता है नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे नापते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। हाइग्रोमीटर, ग्रेवोमीटर, एवोमीटर और कैलोरीमीटर। और लगातार अगर इस आंसर की हम बात करेंगे तो आप सभी लोग एक साथ एक सुर में आंसर दे रहे हैं और वो आंसर है ऑप्शन ए या हाइग्रोमीटर। तो निश्चित रूप से मुझे भी अपना आंसर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सुप्रिया रानी मैम आपका आंसर, अनिल, रूपा, मुकेश, संपत्ति, राधा, सुनिधि, मोनिका, पूजा, गुरदीप, अमित, अनीता, ऋषि, सभी का आंसर एक तरफ से ऑप्शन ए है और ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। उदय जी, जया, सचिन, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। हाइग्रोमीटर की उपयोग करते हैं हम लोग, किसका उपयोग, किसके मेजर करने के लिए, वायुमंडल की आर्द्रता को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो जितने लोगों ने हाइग्रोमीटर आंसर बताया है उन सभी का आंसर बिल्कुल 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 सही है। और अगर यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी ध्यान से देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन एक खेल से संबंधित है जिसे हम लोग चेस कहते हैं। और क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे chess.com की 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज वॉन द chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है एसपी सेठुमरन, दूसरा है रमेश बाबू प्रज्ञान गाद्रा, तीसरा है निहाल शरीर और चौथा है आर्यन चोपड़ा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि chess.com नामक ऑनलाइन जो खेल प्रतियोगिता थी इसमें किसके द्वारा जीता गया। तो निश्चित रूप से यहां पर जो आंसर आप लोगों का दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का, और एक तरफ से एक जैसा ही आंसर दिखाई दे रहा है निहाल शरीर। लेकिन सवाल यह है कि निहाल शरीर आंसर सही है या गलत है, इसका आंसर हम तब बताएंगे जब लगभग सभी लोग सही बता देंगे। तो यहां पर नेता श्री चौधरी ने आंसर बताया है, श्री उदय ने भी सी बताया है, मुकेश, जया, पूजा, प्रिया, अनिल, संगीता, राधा, सभी का आंसर बिल्कुल सी आ रहा है। हाँ, राधा का जरूर यह कहना है कि उनको इस बारे में पता नहीं है। तो निश्चित रूप से अब क्वेश्चन मेरी तरफ है कि मुझे इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी निहाल सरीन। यानी कि जितने लोगों ने ऑप्शन सी या निहाल सरीन बताया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने कि निहाल सरीन ने इस प्रतियोगिता को जीता है।
तो निश्चित रूप से प्रज्ञा यादव आपका भी आंसर सही होगा अगर आपने ऑप्शन सी कहा होगा। तो जितने लोगों ने सी कहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर सही है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से अब हम पहली सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में हो सकता है बहुत सारे लोगों का स्कोर 9/9 हो, कुछ लोगों का 9/8 हो, 9/7 हो, 9/6 हो। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन है, पद्मश्री शोभा नायडू जिनकी मृत्यु अक्टूबर 2020 में हो गई है, ये किस नृत्य से जुड़ी हुई थी। निश्चित रूप से हम लोगों ने क्लासिकल डांस से संबंधित सीरीज को भी किया था, आप लोगों को याद होगा। और ये चीज आप लोगों ने वहां पर उठाई थी कि इससे इंपॉर्टेंट डांसर के नाम क्यों नहीं बताए। तो हमने आपसे कहा था कि डांसर के नाम इसलिए नहीं बताए क्योंकि उनकी सीरीज अलग से आने वाली है। अलग से क्यों आने वाली है, क्योंकि हाल ही में अगर डांसर की बात करेंगे तो एक एक क्लासिकल डांस से बहुत सारे डांसर थे, तो कितने लोगों के नाम बताएं। तो हाल ही में या तो कोई अचीवमेंट होती है या किसी की डेथ होती है या कोई भी पुरस्कार मिलता है तब उनके नाम बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो यहां पर आपके सामने नाम है शोभा नायडू, लेकिन अब सवाल उठता है ये किस नृत्य से संबंधित है, कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है। ऑप्शन चार है आपके पास, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। और अगर आंसर की बात करें तो आप लोगों का आंसर लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी सारे के सारे लोगों ने ऑप्शन बी बोला है या बोला है कुचिपुड़ी, जो दोनों ही एक ही इशारा कर रहे हैं, तो या तो ऑप्शन बी या कुचिपुड़ी। और यहां पर अगर मुझे दिखाई दे तो यूनिफॉक्स लाइव ने भी ऑप्शन बी बोल दिया है। तो निश्चित रूप से अब तो आंसर हमें बताना ही पड़ेगा। वैसे तो हम लोग यूनिफॉक्स लाइव पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ये आंसर तो इनका सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी बताया है कुचिपुड़ी, वो आंसर सही है। हो सकता है यूनिफॉक्स लाइव ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हों, यानी उनको भी आंसर ना पता हो और आप लोगों का आंसर देख करके उन्होंने भी बोल दिया हो, या हो सकता उन्हें यह आता भी हो, लेकिन आप लोगों को आता है इस बात की गारंटी है। तो शोभा नायडू बेसिकली कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी बताया है या कुचिपुड़ी बताया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और अब हम बढ़ते हैं इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोगों को अपना स्कोर बताना है। याद रखिएगा, स्कोर ईमानदारी से बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू लिसन द वाइब्रेशंस ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, कहा जाता है उस उपकरण का नाम बताइए जिससे हम हृदय की और फेफड़ों की आवाज को सुनते हैं। चार ऑप्शन है, पहला है स्पेक्ट्रोस्कोप, दूसरा है स्टेथोस्कोप, तीसरा है स्टीरियोस्कोप और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बचपन में हम लोग इसे आले के नाम से जानते थे कि भाई गले में लटकाया जाता है, डॉक्टर इसको आला कहते थे हम लोग अपनी भाषा में। अब आपको बताना है इसका सही नाम क्या है। और अगर मैं अपने आंसर की बात करूं तो मेरा आंसर तो बाद में यहां पर, लेकिन जितने लोगों ने आंसर बताया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अनिल, सुनिधि, ऋषि, राधा, मुकुल, वीना, संपत्ति, गुरदीप, शालू, दिव्या, देवेश, सभी का आंसर बिल्कुल सही। और इसका सही आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी, यानी स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर। क्लियर। अब ईशा का कहना है, प्रिया शायद तुम नहीं, ऐसा हम लोगों को किसी के साथ नहीं कहना चाहिए कि कोई भी गूगल की हेल्प ले रहा होगा। उम्मीद करते हैं हम में से कोई भी चीटिंग तो नहीं कर रहा होगा यूनिफॉक्स लाइव को छोड़ करके। हाँ, याद रखिएगा यूनिफॉक्स लाइव के पास एक छोटी सी लिबर्टी भी है, हो सकता है वो उपयोग कर लेते हो। आप लोगों का तो भरोसा है कि ईमानदार हैं, उनके साथ थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू आ जाता है। तो चलिए अब टाइम है स्कोर का। तो पूजा का स्कोर है 8, रजनी का 7, अनिल का 8, ऋषि स्कोर बताओ अपना, देवेंद्र का है 8, ऋषि ने 8, पूर्णिमा 7, दिव्या 9, गुड दिव्या, निशा 6, मंजू 9, वेरी गुड, पूजा 9, संगीता 8, दीपिका 8, पूनम 8, नेत्रश्री 8, वीना नहीं सर, मुकेश 9, ईशा 7, प्रिया यादव 8, संपत्ति 7, संगीता 9, जया 8, सुनिधि 8, प्रिया चौहान 9। याद रखिए, एक बार लिखने के बाद दोबारा स्कोर ना लिखे, नहीं तो मैं यही पढ़ता रहूंगा, आगे क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा। संपत्ति 8, राधा 8, शालू 8। तो निश्चित रूप से जितने लोगों ने स्कोर बताया है, आज शाम में क्लास नहीं हुई क्या, तो निश्चित रूप से जितने लोगों ने स्कोर बताया है उन सभी का स्कोर बहुत बहुत अच्छा है। देवेश, कोई बात नहीं, आपने क्लास नहीं ली थी लेकिन आपका स्कोर अगर 6 है तो कोई बात नहीं। चार क्वेश्चन ऐसे मिले जिनके आंसर आपको नहीं पता थे, लेकिन अब वो क्वेश्चन के आंसर आपके गलत नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए। देवेश, क्लास नहीं ली थी तो जो चीज़ें छूट गई थी आगे आप क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास आपके पास ऑनलाइन पोर्टल में हमेशा अवेलेबल है। दूसरी बात, क्वेश्चन के आंसर यहां पे आपको पता चल ही रहे हैं, तो अगर आंसर गलत भी है तो डरना नहीं, सीखते हुए चलना। और अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करेंगे तो कहा जाता है कि विश्व अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस 2020 का विषय क्या है जो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे 2020 विच इज ऑब्जर्व ऑन द अक्टूबर 14th। तो 14 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस की थीम क्या है ये बतानी है। चार ऑप्शन है, पहला कहा जाता है प्रोटेक्ट द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टेड द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। दूसरा है वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। तीसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और चौथा है स्मार्ट हेल्थ यूजिंग इंटेलिजेंस सिस्टम टू इंप्रूव द क्वालिटी। तो निश्चित रूप से आपके सामने चार ऑप्शन आ चुका है, आप देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बता पाते हैं। रूपा का कहना है कि उनके नेटवर्क में इश्यू है। रूपा मैम एक काम करिए, आप एक बार ऐप से बाहर निकलिए और फिर उसके बाद अंदर जाकर के क्लास को लॉगिन कीजिए, शायद आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एक बार क्लास को लॉग आउट करके आप बाहर जाएं और बाहर जाने के बाद यूट्यूब में फिर से क्लास को लॉगिन करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी अमित जी, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और हमारी लिमिटेशन भी मान सकते हैं, वो ये है कि हम इसको जूम नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप में करके देख सकते हैं, आप अपने आप तो जूम कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर जूम करने की फैसिलिटी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर ऑलरेडी बता दिया और इसका सही आंसर है बेसिकली ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, यानी हिंदी में कहें तो मानकों के साथ ग्रह की रक्षा, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो हमें याद रखना है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, तो 14th of October 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरी बात, ये किससे संबंधित है, तो स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित है। और इसकी थीम क्या है, तो थीम याद रखना है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। तो यहां तक की चीजें अगर क्लियर हैं तो हमें बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अब आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अब आपके इस जूमिंग की प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा और यहां पर अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आता है, व्हेन द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व एनुअली 2020, और थीम थी इसकी एडुकेशन। तो आपको बताना है कि बेसिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है इसको ध्यान से देखिए, और हम में से थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाएंगे तो इसका सही आंसर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अक्टूबर की करंट अफेयर्स, तो निश्चित रूप से आंसर भी अक्टूबर से संबंधित होगा। हाँ, अक्टूबर में अगर 2-3 ऑप्शन होते तो थोड़ा डाउट हो सकता था, लेकिन अक्टूबर में केवल एक ऑप्शन है और निश्चित रूप से इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। 14 अक्टूबर मनाया जाता है बेसिकली, और 14 अक्टूबर किसके रूप में मनाते हैं, तो मनाते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। अब ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे कोई भी उपकरण जो ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं उन्हें इस प्रकार से ओपनली फेंकना या डिस्कार्ड करना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए कई सारे जगह ट्रेसेस बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर भी ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जहां पर ई वेस्ट को डंप करने के सेक्शन बनाए जाते हैं। या आपने सुना होगा कई सारे ऐसे मोबाइल सेंटर्स हैं या खासतौर से लैपटॉप के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी ई वेस्ट का डिपोजिशन बॉक्स होता है, क्या वहां पर ई वेस्ट को डंप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ई वेस्ट है तो फेंकने से अच्छा है आप उन्हें कहीं पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर डंप करें ताकि अपने पर्यावरण को, अपने इस मदर अर्थ को, भारत माता को या धरती माता को सुरक्षित रख सकें। तो उम्मीद है आगे से हम लोग भी इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्ड से संबंधित, और सवाल पूछा गया कि भारत में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो निश्चित है आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारत की बात नहीं है, विश्व में इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ स्थित है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, रोम, लंदन और जिनेवा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह से भारत निकल गया था, इसका मतलब भारत में नहीं है। या मैं बता दूं भारत में नहीं है, जितने लोगों को लगता होगा कि मेरे मुंह से आंसर निकल गया था और नई दिल्ली को टिक कर देंगे आंसर सही हो जाएगा, तो नई दिल्ली इज नॉट द राइट आंसर, ये मैं पहले बताई दे रहा हूं, नहीं तो बाद में कहो कि मैंने आपको मिसलीड किया। तो नई दिल्ली इसका आंसर नहीं है, बाकी आप लोग आंसर देख लीजिए। तो निश्चित रूप से अब आपके लिए ऑप्शन 3 बचे हैं, रोम, लंदन और जिनेवा। हाँ, इनमें से कोई आंसर अगर आप बताना चाहें तो बताने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, बताइए जल्दी से। आपको बताना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका सही आंसर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए क्योंकि आप लोगों में से भी कुछ लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसका सही आंसर है बेसिकली ऑप्शन डी यानी जिनेवा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी जिनेवा। तो जिनेवा में स्थित है
अंतर्राष्ट्रीय संगठन और किसका मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय। तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कह दिया था कि मैंने भारत बोल जरूर दिया था लेकिन भारत इससे इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता रहा कि भारत इसका सही आंसर है। तो निश्चित रूप से भारत इसका सही आंसर नहीं है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब आपके सामने, जी हाँ, आपके पास आंसर चेंज करने की आज़ादी थी क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा हो कि मिसगाइड कर रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये है कि नेम ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई IRDAI एंड मेड इट मैंडेटरी टू ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर January 1, 2021। सवाल ये उठता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी को ले रखा होगा, और हर इंश्योरेंस पॉलिसी अपने आप में एक यूनिक होती है। हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। आप LIC की बात करेंगे तो उनकी अलग होगी, ICICI लाइफ की अलग होगी, HDFC की अलग होगी, इतनी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो अलग अलग पॉलिसी देती है। लेकिन IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है उसका ये कहना है कि एक पॉलिसी ऐसी हो जो सब में होनी चाहिए, ताकि वो एक बेसिक पॉलिसी होगी जिसमें व्यक्ति उसको चुन सकता है। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2021 से वो कौन सी पॉलिसी होगी जो सबके, यानी हर कंपनी को उस पॉलिसी को तो लागू करना ही होगा। उस पॉलिसी को कोई व्यक्ति लेना चाहे या ना लेना चाहे, लेकिन आपको अपनी कंपनी के लिए उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है। पहला है सफल जीवन बीमा, दूसरा है सबल जीवन बीमा, तीसरा है सरल जीवन बीमा, और चौथा है आनंद जीवन बीमा। निश्चित रूप से सफल, सबल, सरल और आनंद। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर हमें ऑप्शन डी मिल रहा है। तुम लोग कई बार अक्कड़ बक्कड़ बहुत आसानी से खेल जाते हो। तुम लोगों को लगा सरल, सफल, सबल ये तो सब एक जैसे आंसर है, तो आनंद है वो अलग है, तो इसको लगाना चाहिए, ये आंसर सही होगा। चलो तुम लोगों को फिर से एक लिबर्टी दे रहे हैं, ये आंसर नहीं है, अब बता दो। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। अब देखते हैं कितने लोग आंसर बताने वाले हैं। तुम लोग ना एकदम बच्चे वाली हरकतें करते हो कई बार, बिल्कुल अक्कड़ बक्कड़ वाली। हाँ, ऋषि ने बोले अब आंसर बदलना, अच्छा ठीक है बदल दिया, उन्होंने सफल कह दिया, बोले आनंद रही तो सफल सही। पूनम का कहना है सफल नहीं तो सबल सही। हाँ, ऑप्शन सी और बच्चा सरल और बोल दो। हाँ, निश्चित रूप से तुम लोग तुक्का सच में मारते हो, बड़ा अच्छा मारते हो। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसका सही आंसर मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए, और इसका सही आंसर वो जो बहुत कम लोगों ने टाइप किया, और इसका सही आंसर था बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, यानी अनु चौधरी मैम आपका आंसर सही है, सरल जीवन बीमा। तो सरल जीवन बीमा इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 से सरल जीवन बीमा करके एक प्रोडक्ट होगा जो सभी इंश्योरेंस कंपनी को लागू करना ही होगा। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगे, एक बेसिक जीवन बीमा का प्रोटोकॉल है, और हो सकता आने वाले समय में पूरे भारत में इसको लागू करने पर जोर दिया जाता है। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सरल जीवन बीमा। अब आंसर बताने से कुछ नहीं होता जी। राधा मैम, मैंने आंसर बता दिया, इसका सही आंसर है बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। तो तुम लोग तुक्का भी सही से नहीं लगा पाते हो। अच्छा, अनु मैम का कहना है चूंकि उनके हस्बैंड इंश्योरेंस सेक्टर में है इसलिए उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व होती है हमारी नॉलेज को बढ़ाने में। तो निश्चित रूप से इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है तो अनु मैम आपको डिटेल जानकारी दे देंगी। तो जो भी लोग इससे प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड है या जानना चाहते हैं तो वो बता देंगे। तो निश्चित रूप से अब हमें बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अगला क्वेश्चन आने वाला है, और अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। जी हाँ जया मैम, अब आपके सामने नया क्वेश्चन आने वाला है, और अगला क्वेश्चन है उस फाउंडेशन का नाम बताइए जिसे असम में एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया यानी WWF इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो आपको बताना है कि बेसिकली एशियाई हाथी को बचाने के लिए असम में किस संस्था के द्वारा भागीदारी की गई है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है पैरानॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन, दूसरा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तीसरा है प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन, और चौथा है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि किसने
असम में एशियाई हाथी को बचाने के लिए इस तरीके की मुहिम में साथ दिया है। तो जल्दी से इसका आंसर सही बताइए। और इसका आंसर जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों ने डी बताया है, यानी कि तुम लोगों को आज नींद बहुत तेजी से आ रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो इसका ए आंसर सही है, ए आंसर है परनॉर्ड रिचर्ड इंडिया फाउंडेशन। तो बता दूं मैं, परनॉर्ड रिचर्ड इंडिया फाउंडेशन यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संपत्ति आपका आंसर सही है, शीतल आपका आंसर सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए बताया है उनका आंसर सही है, जिनको नहीं पता था वो इसको याद कर लें। और हाथियों से रिलेटेड आपको पता भी होगा, केरल में एक केस हुआ था जिसमें एक हाथनी को एक पटाखा बांध करके खिला दिया गया था और उसके अंदर विस्फोट जाने कारण उस हाथनी की तो मृत्यु हुई, साथ में वो प्रेग्नेंट थी तो उसके बच्चे की भी मृत्यु हुई थी। एक हृदय विदारक घटना थी और वहां पर ऐसे और भी कई सारे अपराध ना हो या हाथियों का संरक्षण किया जा सके, तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने के लिए इस तरीके के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो यहां तक की चीजें क्लियर। चलिए, तो संपत्ति का कहना है उन्होंने तुक्का लगाया था तो उनका तुक्का काम करके आप देखते हैं इसमें कितने लोगों का तुक्का काम करने वाला है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, विच इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब या एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन है, क्रायोमीटर, मैनोमीटर, डेल्टोमीटर और बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से कल जहां तक मुझे याद आ रहा है जया मैम ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर अगर बता पाएंगे तो निश्चित रूप से। प्रिया मैम पेपर में ऐसे तुक्के नहीं लगते, पेपर में जो तुक्का लगता है वो माइनस देके जाता है, याद रखना। तो हर बार तुक्का सही नहीं होता और यहां पर लेकिन सभी लोगों का आंसर सही है। मुझे नहीं पता या तुक्का बता रहे हो या सही बता रहे हो। तो पूनम मैम का कहना है इसमें तुक्का नहीं लग रहा है, ये सही आंसर है। और अगर जितने लोगों ने सही आंसर बताया या तुक्का भी बताया तो उन सभी का आंसर सही है। और निश्चित रूप से मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत देर बाद एक लाइक, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बैरोमीटर। तो जितने लोगों ने बैरोमीटर बताया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, मैं मानता हूं इसमें किसी का तुक्का नहीं है। नेताश्री आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और अगर यहां तक का आंसर सही है तो हमें बढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्योंकि हम लोगों को पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडियाज एनुअल रिपोर्ट 2018-19 विच इंस्टीट्यूट स्टैंड अलोन टू टॉप इन द लिस्ट ऑफ फिलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पेटेंट्स इन इंडिया। आपको बताना है 2018-19 की बौद्धिक संपदा की रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा संस्थान है जिसने एक साल में सबसे अधिक पेटेंट को दर्ज कराया है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं एक साल में सबसे अधिक पेटेंट दर्ज कराने वाले उस इंस्टीट्यूट का नाम। चार ऑप्शन है, IIT दिल्ली, कानपुर यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और चलोनी यूनिवर्सिटी। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर बताइए। जितने लोग IIT दिल्ली बता रहे हैं मैं बताना चाहूंगा IIT दिल्ली इज नॉट द राइट आंसर। तो IIT दिल्ली यानी ऑप्शन ए वालों को एक और मौका दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। मंजू मैम ने बताया है बी, तो IIT दिल्ली सही आंसर नहीं है। और जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं तो मैं बी वालों के लिए कहना चाहूंगा ये आंसर भी उनका गलत है। तो निश्चित रूप से ए और बी दोनों हट चुके हैं, अब आपके सामने है ऑप्शन सी और डी। तो अब आपके सामने ऑप्शन सी और डी हैं, तो अब भी आपके पास मौका है, 50-50 खेल सकते हैं सी और डी में। देखते हैं कितने लोग आंसर बता रहे हैं। निश्चित रूप से शाम के समय में तुम लोग आंसर के साथ बड़ी खिचड़ी पकाते हो, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। प्रिया यादव इसका सही आंसर ABCD तो नहीं कहा जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पेटेंट कराए हैं। आप लोगों को याद होगा पेटेंट के लिए सरकार के द्वारा एक योजना भी चालू की गई थी, आप लोगों को याद होगा हमने आपको इससे रिलेटेड चीजें बताई भी थी। तो निश्चित रूप से इसका सही आंसर है बेसिकली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 336 पेटेंट कराए, ये एक डेटा है याद रखिएगा, 336 पेटेंट कराए हैं। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दूध में शुद्धिकरण का पता लगाने के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दूध में फैट कंटेंट को मेजर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होगी, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता होगा। खैर मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं या पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट
एंड मेजर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मिल्क. चार ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा है हार्ट लंग मशीन, तीसरा है गेगोंग रेस्पिरेटरी और चौथा है लैक्टोमीटर. तो ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से और इसका सही आंसर बताइए. और इसका सही आंसर बिल्कुल सही बताया और सभी का आंसर बिल्कुल सही है. जय मैम को ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कई बार डी टाइप किया और जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है. मेरी तरफ से आप सबके लिए एक लाइक, क्योंकि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. तो मैं तो सही आंसर पर लाइक करना नहीं भूलता हूँ, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दिया मैंने. अगर आप चाहें तो सेशन को अभी भी लाइक कर सकते हैं. और अब आप बढ़ते हैं इस सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ. और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 के विषय में, यानी 15 अक्टूबर को जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे. अगर हाथ धोने की बात करें तो अभी तक इतना महत्व नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से हैंड वॉशिंग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से माना गया है. तो निश्चित रूप से हैंड वॉशिंग के लिए कौन से थीम को अपनाया गया है. चार ऑप्शन है आपके सामने. पहला है अवर हैंड अवर फ्यूचर, दूसरा है क्लीन हैंड फॉर ऑल, तीसरा है हैंड हाइजीन फॉर ऑल और चौथा है क्लीन हैंड रेसिपी फॉर हेल्थ. तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि 2020 में 15 अक्टूबर को जो हम लोगों ने हैंड वॉशिंग डे मनाया था तो इसका सही आंसर क्या है. तो निश्चित रूप से आप लोगों ने यहां पर खिचड़ी पका ली है. ऑप्शन ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है और डी भी दिखाई दे रहा है. हाँ, लेकिन अगर सही आंसर की बात करें तो सचिन गोला ने इसमें सही आंसर दिया है और इसका सही आंसर है हैंड हाइजीन फॉर ऑल. तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी हैंड हाइजीन फॉर ऑल. तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी कहा है, तो पूजा मैम का भी अब आंसर आ गया है ऑप्शन सी. तो जितने लोगों ने भी सी कहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है. और अगर यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं इस सीरीज के दूसरे पड़ाव के लास्ट क्वेश्चन के बाद. और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आप सभी लोगों को बहुत तेजी से अपना स्कोर लिखना होगा. जी हाँ, खिचड़ी आप सभी लोगों ने पका ली है. और अब बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी नहीं है. ठीक है संपत्ति मैम, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है. तो चैंपियंस, अगर चैंपियंस की बात करेगा, सिंगल विंडो सिस्टम और पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो आपको बताना है चैंपियंस नाम की जो एक प्रणाली चालू की गई है किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है. देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं. चैंपियंस अ सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME. बताइए जल्दी से. जी हाँ, आज की क्विज में मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को. तो मैंने कहा था कि कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस आपके सामने. देखो, अगर मैं क्वेश्चन वही लाता जो एग्जैक्टली आपने पढ़े थे तो निश्चित रूप से आप लोगों का आंसर भी बताते, मोटो आपका, आपको ये लगता कि आपको सब कुछ आता है. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको यहां से भी सीखने को मिलेंगे, यानी हमारी हर सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ज्ञान को बढ़ाए. तो इस प्रयास के साथ हम लोग जुड़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर रखे जाए जिसमें आप लोग और भी ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ा सकें. और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं. तो मैक्सिमम लोगों ने इसका सी आंसर बताया है, यानी एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर. तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा जितने लोगों ने ऑप्शन सी कहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल 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 गलत है. ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर. तो ऑप्शन सी के बाद आपके पास फिर से बदलने का मौका है. अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं. देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं. ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर. मैं बार बार कह रहा हूं. निशा ने तुरंत आंसर बदला, ऑप्शन ए की तरफ आई है. रजनी डी की तरफ गई है. दीपिका ने MSME कह दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी. निश्चित रूप से अब यहाँ पर कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं. तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका सही आंसर बताने को. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इज द राइट आंसर. तो बेसिकली ये जो चैंपियंस है, ये सिंगल बोर्ड पोर्टल सिस्टम जो चालू किया गया वो किसके द्वारा किया गया, MSME के द्वारा किया गया है. और इसमें बेसिकली आपको बताया भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज किया जाएगा. और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक डेटा बैंक तैयार किया जाएगा जिसमें लोगों को कैसे काम या उनके स्किल को कैसे डेवलप किया जाए उन सारी चीजों पर काम किया जाएगा. तो इसको जी, तो निश्चित रूप से जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है. जी हाँ, मेरे बोलते ही आपका आंसर आ गया तो आपका आंसर भी डी माना जाएगा. तो अब टाइम है स्कोर का, तो जल्दी से आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं. तो मंजू का स्कोर आ चुका है 7/10. बाकी लोग स्कोर बताएं जल्दी से. निशा 5, रजनी 6, ऋषि 5. जी ईमानदारी से बता रहे हैं. गुड. प्रिया 5, नेत्रशी 7, दिव्या 17. नहीं दिव्या, केवल ये 10 का स्कोर बताइए. अनिल 7, शालू 7, संगीता 5, मुकेश 5, जया 6, पूर्णिमा 5, सुनिधि 7, देविंदर 6, प्रिया चौहान 5,
शीतल 5, पूजा 7, पूनम 5, संपत्ति 8, ईशा 6, प्रिया 5, अनु 6 to 7, दिव्या 7, दीपिका 6, राधा 5, देवेश 4, निशा 7। चलिए, तो निश्चित रूप से जया 5। तो आप में से जितने लोगों ने स्कोर बताया, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर के क्वेश्चन सरल भी होते हैं, क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। एक बात याद रखना, मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि जब क्वेश्चन पेपर सरल आता है तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर पेपर सरल है तो सबके लिए सरल होगा, और जब टफ आता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। तो तब भी आप लोग ये नहीं सोचते हो कि भाई अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा ना। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन के सरल होने पर भी आपको परेशान नहीं होना, टफ होने पर भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टफ है तो सबके लिए है और सरल है तो भी सबके लिए है। लेकिन हमें आना चाहिए इस बात पे ग्रुप करो, जिस दिन आपने अपने आप से फाइट करना चालू कर दिया कि अभी इस पेपर में मेरे 60 नंबर आ गए, ये नहीं कि 100 में से 60 आ गए, मैंने क्लास को टॉप कर लिया तो मैं खुश, नहीं, मेरे 40 कौन से कम हुए, उसमें मैं कितनी ग्रोथ और लीड ले सकता हूं। जिस दिन आपने खुद से अपने आप को फाइट करना चालू कर दिया, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ, और अब आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आने भी वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस विचलन का या किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, ऑसिलोग्राफ, कोमोग्राफ और कार्डियोग्राफ। जल्दी से बताइए भूकंप की तीव्रता को किससे मेजर करते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। निश्चित रूप से ज्योग्राफी का चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपको क्लास में ही बताया गया होगा कि सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। अच्छा, आप में जो कोई बता सकते हैं सिस्मोग्राफ में अंदर एक स्केल लगी होती है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं स्केल को क्या कहते हैं। याद होगा आपको स्केल के बारे में भी बताया था, बताइए जल्दी से। जी हाँ ऋषि, बिल्कुल सही बताया, अनिल का आंसर सही है, शीतल, प्रिया, राधा, दीपिका, शालू, सभी का आंसर सही है। रेक्टर स्केल याद आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोगों को ये भी पता होगा बेसिकली एक से दूसरे के बीच में 10 times का अंतर होता है, यानी कहीं पर 4 इंटेंसिटी का तो क्या आया, कहीं पर 5 इंटेंसिटी का आया, तो कितने गुने का अंतर होगा, 10 times का अंतर होगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लास में बताई गई थी। अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस इज लोकेटेड। अब भारत में अगर किसी भी चीज, पहले बात तो पेटेंट क्या होता है, किसी भी नई चीज को बनाना जो आज तक मार्केट में नहीं थी, तो आप चाहते हैं कि केवल हमारे पास बनाने का अधिकार रहे, कोई दूसरा इसको ना जान पाए। भाई आपने मान लीजिए आपने पंखा बनाना सीखा, आज तक अभी मार्केट में कोई पंखा था ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बनाया, कोई दूसरे ने उसको खोला, उसको सीख लिया और वो खुद बनाने लगा, तो भाई क्रिएटिविटी आपकी थी, आपने खोज की, आपने इतनी मेहनत की, तो आप उसको क्या कराते हैं, पेटेंट। तो भारत में इस पेटेंट कराने का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई और कोलकाता। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। जल्दी बताइए पेटेंट का ऑफिस कहाँ है। ऋषि का कहना है कोलकाता में, संगीता का कहना है चेन्नई में, शीतल का कहना है गुवाहाटी में, और निशा का कहना है ए यानी मुंबई में। यानी आप लोगों ने इसमें बाकायदा शुरुआत के 4 लोगों ने अलग अलग ऑप्शन देकर के खिचड़ी पूरी बाकायदा पकाई है, तो मैं खुश हूँ आप लोग शाम को खिचड़ी खा रहे हैं, यानी डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आंसर इतनी वैरायटी में आ रहा है तो इसका हम सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मुंबई। ऋषि आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए पूजा ने बताया था, दिव्या ने बताया था, मंजू ने बताया था, और जितने लोगों ने ऑप्शन ए बताया है सुनिधि आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से जी हाँ, पेटेंट यानी कॉपीराइट से संबंधित बातें ही होती हैं, तो वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, अगर यहाँ तक की चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जोजिला टनल, जो बेसिकली कहा जाता है बनने के बाद एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। तो आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर से, जो हमेशा कनेक्टिविटी को जोड़ करके रखेगी, लेकिन सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर से कहाँ की कनेक्टिविटी को जोड़ करके रखेगी। तो जम्मू कश्मीर से जो जोजिला सुरंग निकलेगी वो कहाँ की या किस शहर को जोड़ेगी। 4 ऑप्शन है कुल्लू, दूसरा है मनाली, तीसरा है जम्मू और चौथा है लेह। बताइए जल्दी से आंसर। अच्छा ये बताओ, ये जितने लोग ये आंसर बता रहे हो इस क्वेश्चन का, कितने लोग तुक्का मार रहे हैं इसमें, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने अक्कड़ बक्कड़ जय माता दी, ओम जय जगदीश कुछ भी किया है, 1 2 3 4 खेला है, तो कितने लोग तुक्का मारा है। ये सभी का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो निश्चित रूप से अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर, जी जया ने तो थोड़ा डिटेल लिख दी है तो मानना पड़ेगा उनका तुक्का तो नहीं है।
तो ये पता है तो इसमें तुक्का नहीं है, तो निश्चित रूप से आंसर भी आपका सबका सही है, और सही है तो मेरी तरफ से आप सबके लिए एक लाइक, क्योंकि आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन डी यानी लेह को जम्मू कश्मीर से जोड़ने का काम करेगी। और 12 महीने जब जुड़ेंगे तो सेना का मूवमेंट, सैनिकों का मूवमेंट भी इधर से उधर बहुत आसानी से हो पाएगा। इसके अलावा लोगों के बीच में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहां पर लोगों को जो मजबूरी का सामना करना पड़ता है वो सारे सामने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब देखिए पूनम मैम का कहना है कि जय माता दी चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, जय माता दी तो बोलते चलिए, लेकिन इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने भारत की से पहली पनडुब्बी INS सिंधु वीर मिलेगी? तो भारत की जो पनडुब्बी थी INS सिंधु वीर, ये किस देश को दी जाने वाली है? ध्यान से देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरिशस। तो ध्यान से देखिए, विच कंट्री विल रिसीव द फर्स्ट सबमरीन नेम INS सिंधु वीर फ्रॉम इंडिया? तो INS सिंधु वीर नाम की जो पनडुब्बी है उसे भारत किस देश को सौंपेगा? चार ऑप्शन है आपके पास, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरिशस। ध्यान से देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में चारों देश आते हैं, और निश्चित रूप से भारत से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर वो देश हमसे लेगा तो निश्चित रूप से हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, या हमारे संबंध और बेहतर होंगे और हमारी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, और इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी म्यांमार। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी बताया है, म्यांमार बताया है, वो सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बताने हैं। क्लियर? जी हाँ, जी मैम, कोशिश भी यही की जाती है कि एग्जाम वाली फीलिंग ही दी जाए, जिसमें कुछ तो ऐसे हो जिसे पढ़ करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें लगे कि ये भी थे क्या, ये तो पता भी नहीं चले। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को हर तरीके से मोल्ड किया जा रहा है। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन सी यानी म्यांमार, और जितने लोगों ने ऑप्शन सी यानी म्यांमार बताया सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए। अब आपके सामने आने वाला है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD वर्किंग ग्रुप ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के वाइस चेयर के रूप में नियुक्त किया गया? तो विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD वर्किंग ग्रुप ऑन गुड्स लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP? तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं कि बेसिकली इस संस्था के वाइस चेयर के रूप में किस देश को चुना गया है। चार ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ब्राजील, और चौथा है डी यानी चाइना। एक बात बताओ, तुम लोगों को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? सबने लगातार पाकिस्तान आंसर बताया, ऐसा क्यों भाई? पाकिस्तान में ऐसी कौन सी तुम लोगों को खासियत दिखाई देती है जो लगातार सब लोग पाकिस्तान बता रहे हो? अच्छा, अपना पाक है। एक बात बता दूं कि पाकिस्तान इज नॉट द राइट आंसर, पाकिस्तान सही आंसर नहीं है। तो अब पाकिस्तान का मुंह छोड़ो, वो तुम्हें अभी ना मिला। हम समझ रहे हैं तुम लोग की नजर पाकिस्तान पे ही है, जिस तरीके से तुम लोगों को लगता है कि मोदी जी ने 370 हटा दी, उसी दिन तुम लोग सोच रहे हो कि एक दिन तुम लोग सो के उठोगे और कहोगे कि अब आपकी सीधी ट्रेन जाएगी पाकिस्तान के लाहौर इस्लामाबाद तक। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग आगे ऐसे ही कुछ सोचने वाले हो, लेकिन इसका सही आंसर पाकिस्तान तो नहीं है। अब ऑप्शन ए की तरफ बढ़ रहे हैं कई लोग, भारत, कई लोग ऑप्शन सी ब्राजील कह रहे हैं, और कई लोग ऑप्शन डी यानी चाइना। चाइना तो नहीं कहा, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारत। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है भारत। तो बेसिकली वाइस चेयर के रूप में किसको स्वीकार किया गया? तो भारत को। तो बेसिकली भारत को हाल ही में OECD का पूरा नाम आप लोग देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसके वाइस चेयर के रूप में चुना गया है भारत को। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज याद रहेगी, भारत को इसके वाइस चेयर के रूप में चुना गया। और अगर यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं तो हमें बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अब आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 26, और 26 इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आई होप आप सभी का सही होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक entitled द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना था रोमला थापर, रामचंद गुहा, अरुंधति रॉय और शशि थरूर जैसे महान लेखकों में से किसी एक लेखक के द्वारा इस प्रकार की पुस्तक का निर्माण किया गया। जहां तक मुझे लगता है कि तुम में से कोई भी तुक्का तो या अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेल रहा है, इसमें तो सभी लोग सही आंसर बता रहे होंगे। निश्चित रूप से पहले भी कई सारे बुक्स को वो लिख चुके हैं, अपनी अच्छी प्रभावशाली इंग्लिश के लिए वो जाने जाते हैं, केरल राज्य से वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने फॉरेन में रहकर के अपना पढ़ाई का काफ़ी कार्यकाल बिताया, और इसमें वर्तमान समय में भारत में कि कांग्रेस के एक मंत्री पद या एक वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी शशि थरूर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी बताया है
जया राधा शालू शीतल उदय ऋषि मुकेश रजत वीना देवेश संगीता पूर्णिमा आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। तो निश्चित रूप से शशि थरूर इज द राइट आंसर। और अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो हमें बढ़ना चाहिए अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि थ्रू विच डिवाइस द ल्यूमिनेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड। तो आपको बताना है कि वह उस उपकरण का नाम बताना है जो किन्हीं दो प्रकाश स्रोतों के बीच में रोशनी की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। पायरोमीटर, दूसरा है फोटो टेलीग्राफिक, तीसरा है फोटोमीटर और चौथा है पेरिस्कोप। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि किन्हीं दो लाइट सोर्स के बीच में अगर हमें मेजर करना है तो कंपेयर करना है तो किसका उपयोग करेंगे। और लगातार सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा। तो बिल्कुल सही आंसर है फोटोमीटर इज यूज टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिटवीन टू लाइट सोर्सेज। तो इसका सही आंसर फोटोमीटर तो बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों ने फोटोमीटर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और जया ये भी आइडिया बिल्कुल सही था कि ए और बी तो नहीं होगा। अब सी और डी की बात कर रहे हैं तो सी तो सही आंसर है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्कोप। आप लोगों ने अगर याद होगा तो कल हम लोगों ने पेरिस्कोप को भी डिस्कस किया था। किसी को याद आ रहा है क्या कि पेरिस्कोप का काम क्या होता है? बताओ भाई, कोई बता पाए पेरिस्कोप का काम क्या होता है? किसी को आइडिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिस्कोप? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सबमरीन में यूज होता है और अबव द सी लेवल। बिल्कुल सही बताया कि सबमरीन यानी पनडुब्बी जो जल के अंदर है और अगर समुद्र के बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूरबीन जैसी बाहर से निकला रहता है और उससे हम लोग घुमा करके चीजों को देखते थे। हम लोगों ने कई सारी मूवी के नाम भी लिए थे, आप लोगों को याद होगा, फैंटम याद आई होगी, मिशन गाजी याद आई होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो इसका सही आंसर है बेसिकली पेरिस्कोप का काम कहाँ होता है? तो सी लेवल से ऊपर की चीजों को देखना। बिल्कुल सही बताया। तो अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो हमें बढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आप लोग भी जानते हैं समय हो रहा है, मुझे पता है आप लोगों को भी जल्दी है और निश्चित रूप से अब तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो सवाल उठता है कि ये पहली भारतीय किस क्षेत्र में थी? तो बेसिकली ऑस्कर इन्होंने सबसे पहली बार जीता था। तो आपको ये बताना है कि ये किस फील्ड से संबंधित थी। चार ऑप्शन है इसमें, अभिनेता यानी एक्टर हैं, दूसरा है डायरेक्टर यानी निर्देशक हैं, तीसरा है म्यूजिक कंपोजर यानी संगीतकार हैं और चौथा है कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो निश्चित रूप से देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बता पाते हैं। तो भानु अथैया इन्होंने पहली भारतीय थी जिनको ऑस्कर दिया गया था। और निश्चित रूप से आपको याद होगा कि गांधी जी से संबंधित बेसिकली एक मूवी थी, उसमें इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर दिया गया था। तो जितने लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं या सभी के द्वारा डी कहा गया तो मेरी तरफ से आपके लिए एक लाइक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, ये बेसिकली महाराष्ट्र से संबंधित थी और भारत में पहली बार ऑस्कर जीतने का इनको श्रेय भी दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इनका हाल ही में निधन हो गया लेकिन अब अभूतपूर्व प्रतिभा के कारण ये काफी प्रसिद्ध भी हुई। तो चलिए हम लोग यहां तक की चीजों को देख चुके हैं और अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जी हाँ, इन्होंने और भी कई सारी मूवीज में काम किया है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ शालू का कहना है लगान में भी इन्होंने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस तो हमने सुना था, महिला किसान दिवस की बात आ रही है। अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं कि वेन वॉज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली। चार ऑप्शन है, 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 सितंबर। अक्टूबर के तीन डेट हैं तो कंफ्यूजन लाजमी है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। और इसके सही आंसर की बात करें तो कई सारे लोगों ने कहा है 11 अक्टूबर, कई लोगों ने कहा है 16 अक्टूबर, कई लोगों ने कहा है 15 अक्टूबर। यानी तुम लोगों को अगर अंदाज था कि अक्टूबर में कोई डेट है तो तुम लोगों ने तीनों डेट बता दी हैं। तो इसका सही आंसर अब मुझे बताना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा कि बेसिकली राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। और निश्चित रूप से खेती करना, किसानी करना केवल पुरुषों का काम ही नहीं है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने आप को प्रूफ भी किया है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे देश में जहां पर महिलाएं भी खेती करती हैं। और आपको आज की डेट में महिलाओं द्वारा खेती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है।
और ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी, रूढ़िवादी सोच थी कि महिलाओं का काम ही नहीं है खेत में, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसके पहले हम एक बात आपसे बताना चाहेंगे। हमने आपसे कहा था कि बेसिकली एक घटना आज मेरे साथ घटित हुई, तो हुआ कुछ यूं कि आज मैं बैठा था अपने मोबाइल पर, आपको पता है कि हम लोग जब खाली होते हैं तो निश्चित रूप से अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो मैंने कई सारी चीज़ें देखी और मुझे ये पता चला कि बेसिकली व्हाट्सएप में कई लोग अपने स्टेटस लगाते हैं। मैं भी स्टेटस लगाता था, लेकिन मुझे आज समझ आया कि स्टेटस को इन्फॉर्मेशन के रूप में भी रखा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, और देखते हैं इस टास्क को कितने लोग पूरा करते हैं, कि बेसिकली जो क्लासेस हैं हमारी, इस क्लासेस को आप में से कितने लोग स्टेटस के रूप में लाइक करते हैं, कितने लोग स्टेटस के रूप में लगाते हैं, ताकि और ज़्यादा इस मैसेज को पहुँचाया जा सके। तो निश्चित रूप से आप लोगों के नंबर यहाँ पर यूनिफॉक्स की टीम के पास तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप में से जितने लोग भी स्टेटस के रूप में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आदेश सर और हमारी जितनी भी यूनिफॉक्स की टीम है, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा कि कितने लोग परिवार को बढ़ाने में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बात थी जो आपके सामने लेकर के आए। और अब बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो यूनिफॉक्स टीम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को लेकर के आए, अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब आपके सामने आने वाला है अंतिम क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिससे मानव की सत्यता की जांच करते हैं। मानव की सत्यता यानी कोई भी आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। और चार ऑप्शन है, पहला है पेनिकोमीटर, दूसरा है क्वाड्रेंट, तीसरा है पॉलीग्राफ और चौथा है रेडियोमीटर। आपने सुना होगा कई बार, और ऐसा कहा जाता है कि अब तो कानून में भी कई बार आ जाता है इस टेस्ट को करवा लीजिए, या कहा जाए आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली हाथरस वाला जो कांड हुआ था उसमें भी इस टेस्ट की मांग चल रही थी लगातार। और आप सभी का आंसर इसमें बिल्कुल सही है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पॉलीग्राफ टेस्ट। तो निश्चित रूप से पॉलीग्राफ इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने पॉलीग्राफ कहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अब टाइम है स्कोर का, लेकिन 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 थोड़ा रुक जाओ, स्कोर अभी नहीं। स्कोर कब? जब हमारा सेशन एंड हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को अपना स्कोर लिखना है, और स्कोर लिखने वाले जितने भी प्रतिभागी होंगे उन स्कोर को हम लोग डिस्प्ले के रूप में अगले में लेकर के आएंगे। तो हमारे इस क्विज का विजेता कौन होगा, कौन बनेगा किंग या क्वीन? तो निश्चित रूप से इस बार तो तीन क्वीन थी, अगली बार हो सकता कोई किंग आए, या हो सकता क्वीन फिर से अपने उस पोजीशन को मेंटेन रखते हैं और नए लोग भी सामने आते हैं। तो परिवार में जितने भी नए सदस्य जुड़े उनके लिए भी ये ऑफर ओपन है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने स्कोर को लिख सकते हैं। कंबाइंड स्कोर लिखना है कुल 30 क्वेश्चंस में से, 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए, यानी अगर किसी का 25 क्वेश्चन सही है तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 25/30, 29 सही है तो 29/30। तो निश्चित रूप से इस स्कोर को हमारे द्वारा टेकअप किया जाएगा और अगले क्विज में इस रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन में आपने काफी एंजॉय किया होगा, कई सारी चीजों को सीखा होगा। और निश्चित रूप से यहां पर एक बात यह भी कहूंगा कि अगर आप लोग इसमें कमेंट लिखते हैं, तो अब जब मैं भी सुकून से बैठ करके इस सेशन को देख रहा हूंगा, और रात में जा करके जब मैं भी कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट को देखूंगा, तो उसमें से आपके जो भी कमेंट होंगे उनका अगर कोई क्वेश्चन होगा या आपका कोई भी कमेंट होगा उस पर मैं भी आपको रिप्लाई दूंगा निश्चित रूप से। तो पर्सनल रिप्लाई मेरी तरफ से भी जाएंगे, यूनिफॉक्स टीम तो सारी चीज़ों को वॉच करती है, और मेरे पास भी चूंकि शाम को सेशन होता है अब, तो अब रात में तो हम लोगों का सबका रेस्ट का टाइम होता है, तो मैं भी मोबाइल में अब उन कमेंट को देखूंगा और वॉच करूंगा आप में से कितने लोग मेरी बात को मानते हैं। और अगर स्टेटस की बात है तो ये स्टेटस निश्चित रूप से मेरे द्वारा देखा गया, आदेश सर ने से भी मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बात तो सही है, इस प्रकार से किया जाता है। और हमारे बहुत सारे परिवार के सदस्य ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले से ऐसा स्टेटस लगाते भी थे, तो देखते हैं परिवार के कितने सदस्य इस चीज़ को स्प्रेड करने में हमारा सहयोग करते हैं। और उम्मीद करते हैं अगली बार हम लोग और अधिक संख्या में और परिवार को पूरी भरपूर मात्रा के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल शाम को, और फिर से हम लोग 9 बजे पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। तो याद रखिए सुबह से शाम हुई है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं जोश के साथ रहेंगे, पूरी ताकत के साथ रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।